उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नवरात्रि के पावन अवसर पर दिनेशपुर माँ दुर्गा मंदिर में अष्टमी नवमी की रात्रि रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हल्द्वानी से आए कुंती कला केंद्र के कलाकारों व स्कूलों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। अष्टमी नवमी तिथि को रंगारंग कार्यक्रमों में कोलकाता से आए कलाकारों द्वारा दुर्गा माँ की झांकी व नाटक की सुंदर प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अरविंद पांडे व पूर्व राज्य मंत्री विजय मंडल, निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गदरपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भी दुर्गा पूजा के अवसर पर सुंदर सुंदर झांकियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने बताया, 2 प्लाटून PAC तैनात की गई है। विधायक अरविंद पांडे ने सभी क्षेत्रवासियों को हृदय से आभार व्यक्त किया। लगातार जो दुर्गा पूजा का प्रथम आयोजन 1959 में किया गया था और तब से लेकर 2024 आज जो दुर्गा पूजा ये शारदीय दुर्गा पूजा महोत्सव किया जा रहा है और ये पैसा भी दुर्गा पूजा महोत्सव है। इसके पीछे का ये कारण है कि यहाँ पर पढ़ाई जब यहाँ पर आवाज किया गया था तब यहाँ बहुत जंगल हुआ करता था और यहाँ पर लोगों की मान्यता ये थी कि यहाँ पर किसी ने हमारे बड़े बुजुर्ग आए और यहाँ पर पूजा पाठ किया था और तभी से इस पूजा पाठ के प्रति यहाँ पर लोगों की श्रद्धा बढ़ती गई, लोगों की मनोकामना पूरी होती गई और उसके बाद यहाँ पर माँ दुर्गा का प्रति वर्ष मूर्ति का स्थापना किया जाता और भव्य तरीके से यहाँ पूजा किया जाता है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।